हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित चौबे और आप देख रहे हैं चैलेंजर बलिया। तो मैं बता दूं कि पहले से भी मैं यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट बनाता था और ब्लॉग भी बनाता था। तो मैं पहले से माय फर्स्ट व्लॉग पे एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल नहीं हुआ। तो मैं फिर सोचा हूँ कि माय फर्स्ट व्लॉग पे एक वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो ये वीडियो आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो मैं फिर से एक नया ऐसे ही ब्लॉग लाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट कीजिए कि मैं बनाता रहूँ। तो मैं बता दूँ कि मेरा नाम अंकित चौबे है और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मेरा घर बलिया है। तो आप इस ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे नानी का नया घर है, ये बन रहा है और ये नानी का पुराना वाला घर था। आप देख सकते हैं पुराना वाला घर कैसा है, मतलब पूरा पुराना हो गया है। देख सकते हैं यही पुराना वाला घर था नानी का, यही नानी का मतलब कि पुराना में घर था ये, और ये अभी नया में बन रहा है। आप देख सकते हैं नया में बन रहा है, ऊपर अभी मतलब ढलैया हो रहा है सब, और ये नीचे कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये और हम आगे चलेंगे आपको वो पूजा दिखाने के लिए। तो चलते हैं पूजा देखते हैं कैसा लग रहा है। और वहाँ कितना मंदिर है, बहुत सारा मतलब बहुत सारे मंदिर है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको। चलते हैं धर्मशाला को। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैं आगे और नहीं बोलूंगा, इसलिए कि आगे और आवाज नहीं आ सकता, इसलिए कि बहुत वहाँ शोर है और माइक उठ सब बज रहा है, इसलिए आवाज़ नहीं सुनाई देगा। तो मैं आपको बस दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। चलते आगे थोड़ी पहले।
हाँ तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा नानी का गांव? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर बस बंगाली भाषा चलता है, बस बंगाली बंगाली हिंदी भी कोई कभी कोई बोलता है। तो मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा।